नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भरतपुर के वैर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। यहां ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त नाली की मरम्मत कराई। ये नाला ठेकेदार द्वारा दो महीने पहले ही बनाया गया था। नाला बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन इस बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी। वहीं ग्रामीणों ने फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पिछले 40 दिनों में अतिवृष्टि से टूटी रपट का सामना करने वाले ग्रामीणों ने विधायक के घर का घेराव किया। यहां सरपंच समुद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक से पुल निर्माण की मांग की। विधायक ने गांव को आखिर गोद लेकर जल्दी पुल बनाने की घोषणा की। गौरतलब है कि बांता गांव पिछले 40 दिनों से टापू बना हुआ है, जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने भी खबर को प्रमुखता से उठाया था। जैसलमेर के रामदेवरा में जन जन की आस्था का केंद्र बाबा रामदेव का 633वां भादवा मेला शुरू होने से अब 7 दिन बाकी है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने अपने वाहनों से रामदेवरा आने लगे हैं। कोई मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार लेकर पहुंच रहा है तो कोई पैदल ही बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा की ओर कूच कर रहा है, जिसके चलते रामदेवरा में मेले से पूर्व ही मेले का माहौल बना हुआ है। जोधपुर के ओसिया में रामदेवरा मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पैदल यात्रियों के रिफ्लेक्टर लगाए गए और बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए गए, साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के रोरू छोटी गांव में एक फौजी की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ लोगों ने एक फौजी पर हमला कर दिया। फौजी की हत्या कर सूचना के मुताबिक रोरू छोटी निवासी सुमेर सिंह अपनी गाड़ी से गांव जा रहा था। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी के पहले टक्कर मार दी। वही हमले में सुमेर सिंह की मौत हो गई है। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीकर के राजकीय चिकित्सालय में रखवाया। वही लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उदयपुर के गुड्डा गांव के पास पुलिस ने रे पार्टी पर छापा मारा। सुकेर थाना इलाके मिस्टर जंगल में फार्म हाउस पर रे पार्टी पर चल रही थी। वही डीएसपी माधुरी वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर दबिश दी। 30 से ज्यादा लोग दीवारों को कूदकर जंगल में भाग गए, जिसमें मुंबई और पुणे से आई कुछ लड़कियां भी मौका देकर पुलिस की पकड़ से भाग गई। पुलिस ने 3 युवतियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में शराब और नॉनवेज खाना बरामद किया है। निजी फार्म हाउस पर चल रहे इस रे पार्टी से पुलिस ने गुजरात नंबर की 3 से 4 कारों को भी बरामद किया। झुंझुनू के सिंगाना थाना के मोई मोड़ के पास देर रात श्रद्धालुओं से भरे कंटेनर और जीप की टक्कर हो गई। हादसे में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार करीब रात 10 बजे गोगा मेडी से दर्शन कर यूपी लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे कंटेनर की सिंगाना की तरफ से आ रही जीप से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप का चालक जीप से फंस गया, वहीं जिसे जेसीबी मशीन के द्वारा गाड़ी को काट कर बाहर निकाला गया। भरतपुर के डीक पुलिस क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 आरोपी मौका पाकर भागने में सफल हो गए। इनके पास से 2 अवैध देशी कट्टा और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश मथुरा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस समेत काफी सामान बरामद हुआ है। सिरोही के मंडार में निकटवर्ती सोनेला गांव के करीब सिरोही कांडला हाईवे पर 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत से एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पीछे से आ रहे ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर से आगे नाला पार कर रहे ट्रेलर में सवार ड्राइवर क्लीनर घायल हो गए और पीछे से आ रहे ट्रेलर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ के दरियावद में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी चंद्रभान सिंह के पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मरुधरा ग्रामीण बैंक का अधिकारी बताया। 2 माह से बैंक अकाउंट में लेन देन को बंद बताते हुए अकाउंट के ब्लॉक करने की जानकारी दी, जिसके बाद चंद्रभान सिंह ने विश्वास किया और खाता सुचारू रूप से चलाने के लिए डिटेल मांगी। जब अज्ञात उचक्कों ने मोबाइल पर आए सभी मैसेजेस को डिलीट करने को कहा, तब चंद्रभान सिंह को शक हुआ। वे ऑनलाइन ठगी के शिकार होने की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने देर रात 4 लेन पर लग्जरी कार और पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 5 लोगों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लुटेरों ने सुमेरपुर, शिवगंज एवं सांडेराव में की गई कई वारदातों को कबूला। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी की वारदात में इस्तेमाल औजार, हथियार भी बरामद किए।
थानाधिकारी का कहना है कि गत दिनों सुमेरपुर के व्यापारी सुरसाराम कुमावत से इसी गिरोह ने 5 लाख रुपए लूटे थे। शिवगंज के व्यापारी बाबूलाल कुमावत से भी यही गिरोह 2,15,000 रुपए लूटकर फरार हुआ था। पाली के देसुरी में चिकित्सा विभाग की ओर से देसुरी में जमा नालियों, गड्ढों एवं स्थानों पर आए एमएलओ ऑयल का छिड़काव किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के चिकित्सक राजेश राठौर को वरिष्ठ मिसरू खान पठान से मच्छरों के पनपने के स्थानों को बताया, जहां विभाग द्वारा एमएलओ घायल का छिड़काव किया गया। पाली के देसुरी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागोल में दानदाता धनाराम पुत्र नैनाराम की तरफ से बालक बालिकाओं को चरण पादुकाएं वितरित की गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान दुर्गा राम विराइस ने कहा कि कोई बिरला ही होता है जो अबोध बालकों की सेवा करता है। इस अवसर पर विराइस ने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अजमेर के पिसांगर में 400 संघ चुनाव की घोषणा के बाद ब्यावर रोड से जैन कॉलेज में सर्द गर्मियां तेज हुई। अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बारह के अंता में क्षेत्र के रायपुरिया गाँव में लंबे समय से माध्यमिक स्कूल का भवन दुर्दशा का शिकार है। यहाँ सुविधाओं के नाम पर ना तो कमरे हैं लेकिन नाम मात्र के बने हुए हैं। इन कमरों की दीवारों में दरारें रही हैं। एक कमरा तो पूरी तरह से जर्जर है, इसके चलते इस कमरे का उपयोग ही नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर 4 कमरों में बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है, इससे इनमें बैठकर पढ़ना विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में घर से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकले 7वीं कक्षा के छात्रों की खेतों में बिजली के ट्रांसफॉर्मर में लगे स्पॉटिंग तार से करंट आने से मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर उसके साथ जा रहे दो अन्य बच्चे दौड़कर भाग गए। करंट से तड़प रहे इस बच्चे को छुड़ाने के लिए लोगों ने जीएसएस पर फोन किया लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया और बचाने के वक्त कोई नहीं मिला, इससे बच्चे की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पीपली खेड़ा गांव में बाड़े में गई और वृद्ध महिला की चोटी कट गई। वे कटी चोटी लेकर मंदिर पहुंचे और वह जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे ग्रामीणों को घटना बताई। ग्रामीणों की सूचना पर महिला के परिजन, रिश्तेदार और आसपास गांवों के लोग पीपली खेड़ा पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला में पुलिस ने 14 साल से फरार वारंटी मुंशी बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में आजादी के 70 सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यह गांव की समस्याओं का समाधान नहीं होने तक मुख्य बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना दिया गया। सिरोही के रानीवाड़ा खुर्द गांव में कृष्ण प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस और गोताखोरों ने करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया। इस दौरान तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। बूंदी के नैनवा शहर में बेशकीमती भूमियों पर अतिक्रमणों को लेकर पालिका प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजीव कॉलोनी और टटों के झोपड़ों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गुमटियों और चारदीवारियों को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटाया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में देचू उप डाकघर के अधीनस्थ आने वाली समस्त शाखाओं के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। साथ ही वे बुधवार से धरने पर भी बैठ गए हैं। जोधपुर के बिलाड़ा शहर में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जय श्री कृष्ण मानव हितार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में बढ़ेर चौक में भजन संध्या का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। और वक्त हो गया है छोटी से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में किराए के मकान में रह रहे एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। शव के लटके होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा मृतक युवक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो मोर्चरी में रखवा दिया है। वही पुलिस के द्वारा मृतक के परिवारजनों को सूचना देकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई।
पुलिस के मुताबिक मृतक 20 वर्षीय युवक छगन सिंह राजसमंद के विजयपुरा का निवासी बताया गया है। मृतक की जेब में उसका पहचान पत्र मिला है। वह युवक वर्षों से नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान आरपी शर्मा ग्रुप कंपनी के कुछ अधिकारियों के यहाँ रसोइये का कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। सीकर के खाटू श्यामदी में लक्ष्मीनाथ गौशाला के पास दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो मृतक कैलाश के और एक लिखमा का बास का है जबकि 2 लिखमा के बास के युवा घटना में घायल हो गए हैं जिन्हें खाटू श्यामजी सीएससी में जयपुर रेफर कर दिया गया। झुंझुनू के खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोल दिया। 2 गार्डों को घायल कर कीमती केबल चोरी कर ले गए। वहीं गार्डों को बंधक भी बनाया गया। नकाबपोश लोगों की संख्या 10 से 12 थी। सभी कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए थे। इससे पहले भी यहां पर कई मरतबा चोरी की वारदातें हुई हैं। खेतड़ी नगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में माइनिंग ठेका कंपनी एसएमएस का ऑफिस है। लुटेरों ने सबसे पहले इसी कंपनी के दफ्तर पर धावा बोला। अलवर के बहरोड में केमिकल गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने सैकड़ों ड्रम जब्त किए हैं। ये लोग दूसरे टैंकर से अवैध रूप से केमिकल निकालते थे। नीमराना पुलिस ने कार्रवाई की है। अलवर डीएसओ को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। पाली के सुमेरपुर में महाराजा उमेर सिंह कृषि उपज मंडी में ई ऑक्शन के विरोध में मंडी में 5 दिन से कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं हुई। मंडी प्रशासन द्वारा व्यापारियों पर ई ऑक्शन से माल बेचने का नया नियम लागू करने के विरोध में व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकाल के लिए व्यापार बंद जारी रखा गया। व्यापार मंडल अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध इस महापड़ाव में किसान संघर्ष समिति, ऑयल मिल्स एसोसिएशन, बाजार व्यापार मंडल, टक ऑपरेटर यूनियन, हमाल संघ एवं मुनीम संघ ने भी समर्थन देने के साथ महापड़ाव में शामिल हुए। अजमेर की खोरी ग्राम पंचायत में प्राचीन भगवान वैद्यनाथ महादेव मंदिर में सदियों से सेवा पूजा करते आए नाथ संप्रदाय के लोगों को मंदिर से बेदखल किए जाने से रोष व्याप्त है। नाथ संप्रदाय के लोगों का आरोप है कि पास के गांव होकरा में रहने वाले दावा समाज के कुछ लोग मंदिर को हत्याने की नियत से उन्हें धड़ा धमका रहे हैं। इन लोगों पर सत्तासीन राजनेताओं का सरपस्ती है। इसे पुष्कर पुलिस थाने में 1 साल पहले शिकायत करने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाथ संप्रदाय के लोगों ने जिला कलेक्टर गौरव गोयल को न्याय की गुहार लगाई। भीलवाड़ा के आसीन में जीनगर समाज सेवा संस्थान के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी बिरधी चंद जीनगर की सऊदी अरब में 25 दिन पहले हुई मृत्यु के बाद अब उनका शव पैतृक गांव नहीं पहुंचने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। टोक्योनियारा में पलाई में किसान सेवा केंद्र अचल सेवा केंद्र के ऊपर बनाने का सरपंच राम भरोसी मीणा सहित ग्रामवासियों ने विरोध करते हुए एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर को ज्ञापन दिया। टोक्योनियारा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दस्ते को बैरंग लौटना पड़ा। पलाई में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए। राजस्व कर्मचारी और पुलिस जाप्ता अतिक्रमी प्रभावशाली होने के कारण जगह का सीमा ज्ञान नहीं हुआ और अतिक्रमण नहीं हटा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जेके तिराहे के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। युवक की पहचान जगदीश निवासी पड़ावास बेगू के रूप में हुई है। मृतक जगदीश जेके सीमेंट में कार्य करता था। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निम्बाहेड़ा हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। जयपुर के चोमू में उपकंड के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित साई बाबा मंदिर को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर मंदिर का दान पात्र उखाड़ कर ले गए। वह मंदिर के आसपास की दुकानों के बाहर लगे बल्ब को भी तोड़ गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। जयपुर के दूधों में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय स्थित कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों ने करीब आधा दर्जन कब्रों में छेड़छाड़ की जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। मामले की सूचना पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान पहुंचे। वहीं मामले की सूचना पर उपखंड अधिकारी रतनलाल रेगर और थाना प्रभारी हरीश सांकला मौके पर पहुंचे और मौके का अवलोकन किया। समाज के लोगों को समझाइश करके कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
जोधपुर के बिलाड़ा शहर में 33 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया। श्री आईजी महिला चिकित्सालय में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामकिशोर बिश्नोई ने बताया कि पूरे राजस्थान में सभी सेवारत चिकित्सक 21 अगस्त को काली पट्टी बांध कर कार्य करेंगे। अजमेर के पिसांगर में 15 वर्ष नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अधेड़ को गिरफ्तार किया गया। आरोपित गड़बड़ी मोहल्ला निवासी श्री किशन उर्फ पप्पू कुमावत है। मामला 1.5 महीने पहले का है। अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में भामाशाह निर्मला देवी ने वाटर कूलर लगवाया। भामाशाह निर्मला देवी ने अपने पति स्वर्गीय श्री किशनलाल अरोड़ा की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर वाटर कूलर लगवाया। अजमेर के नसीराबाद में पैंथर दिखने से पहली दहशत के बाद प्रशासन हरकत में आया। गत कुछ दिनों में ग्रामीणों और चरवाहों ने बताया कि गांव श्रीनगर के इर्द गिर्द जंगली जानवर घूम रहे हैं, जिसमें पैंथर भी शामिल है। वही पैंथर के पग चिन्ह पर देखे हुए परंतु पुष्टि नहीं हो पा रही थी। श्रीनगर थाना प्रभारी हरीश चौधरी स्वयं गत दिनों से देर रात तक गश्त कर जानकारी जुटा रहे थे कि वास्तविकता क्या है। भरतपुर के रूपास में हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच अपहरण किए गए युवक की घर वापसी हो गई है। पुलिस के दबिश के आगे अपहरणकर्ताओं ने हार मान ली और युवक को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद युवक घायल अवस्था में पुलिस थाना रुद्रावल पहुंचा। थानाधिकारी ने युवक से पूरी घटना की जानकारी ली और युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर के डीग में पुलिस क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 जने मौका पाकर भागने में सफल रहे। इनके पास से 2 अवैध देशी कट्टा और हथियार बनाने का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। अजमेर के विजयनगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेवाड़ा परिवार द्वारा आयोजित श्री मद भागवत की कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। अजमेर के पिसांगर में स्थित खाकी महाराज से माता मंदिर मार्ग पर कृषक मंदरूप के कुएं के पास बीती रात अज्ञात चोरों ने ट्रांसफॉर्मर से ऑयल और चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे सूचना लोगों ने डिस्कॉम कार्मिक को दी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कल से शुरू हुई 24 कोसीय लोहारगल परिक्रमा शाकंभरी पहुंची। मुख्य मेला 21 अगस्त को सोमवती अमावस्या पर होगा, जिसमें 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे। भरतपुर के डीग में कुमेर विधायक का समाज के लोगों ने चांदी का मुकुट और साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान कोली समाज के लोगों ने अपनी समस्या की जानकारी देते हुए कहा कि उनके समाज के मंदिर के परिक्रमा मार्ग से आसपास कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में बाड़मेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर चल रहा निर्माण कार्य की मंथर गति के चलते यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे पर निर्माण चल रहा है, यहां संकेतक बोर्ड भी नहीं होने के चलते वहां पर चालकों को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती और वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडलीय शाखा जोधपुर जैसलमेर के आह्वान पर रामगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने कस्बे के डाकघर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागौर के मेरठ सचिव में निकटवर्ती गांव इंदावर में गोगा नवमी के अवसर पर मेला भरा। हर वर्ष की तरह इस बार भी केशरिया कवरजी मंदिर प्रांगण में भी तेजा गायन का आयोजन किया गया। रात सुबह तक तेजा भक्तों ने नाच गाकर तेजा गायन किया। तेजा गायन बार-बार का लोक गान है, जिसे इंद्रदेव को रुझाने के लिए गाया जाता है। तेजा गायन के बाद शाम को केशरिया कंवर जी का मेला भरा गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बैंक से पैसे निकालकर आई एक महिला के थैले से 35,000 रुपए पार हो गए। पीड़िता एसबीआई से ये रुपए निकलवा कर आई। इस दौरान एक व्यक्ति ने उस पर मेला लगाकर 35,000 रुपए पार कर लिए। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के आसीन में स्वच्छता पखवाड़े के 15वें दिन पौधारोपण किया गया। इस मौके पर नेहरू युवा संस्थान के राम रतन जाट, दीपक मेहता, रामदयाल शर्मा, राजेंद्र जाट, सुरेश जाट, दास चंद सहित कई लोग मौजूद रहे।
इन सभी सदस्यों ने मिलकर गांव को स्वच्छ रखने की शपथ ली। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र के करजवा गांव में 3 साल पहले युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अंतिम आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उदयपुर के कोटरा में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आरके कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा निर्मित श्रीजी पार्क, बाउंड्री वॉल, सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण और म्यूजिकल फव्वारे का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ यूडीएच मंत्री श्रीचंद कपलानी ने किया। इस मौके पर कपलानी ने कहा कि निम्बाहेड़ा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। नगरपालिका के माध्यम से लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजनों को दिलाने के साथ विभिन्न जनहित के विकास कार्य लगातार किए जाएंगे। जयपुर के सांबर लेक में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते बिजली विभाग के ठेकेदार के 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। यहां ठेकेदार के कर्मचारी लाइन का शटडाउन लेकर कर रहे थे, तभी विभाग की ओर से बिजली चालू कर दी गई, जिसके कारण एक कर्मचारी तो तारों पर ही लटक रहा और दूसरा नीचे गिर पड़ा। सूचना के बाद कस्बे की बिजली तुरंत बंद कर दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार किया गया। वहीं ऊपर लटके कर्मचारी का शरीर कई हिस्सों से जल चुका है। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस लापरवाही के लिए विभाग के अधिकारी और ठेकेदार एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर में बाजार के रास्ते में निकास नहीं होने से नाली का पानी भर गया है, जिससे आमजन के साथ ही ग्राहकों, पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पानी का भराव काफी समय से हो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी के भराव के चलते मच्छर पनप गए हैं, इससे मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। राजसमंद के आमेट में थाना सर्किल के सरदारगढ़ रोड पर घोसुंडी बस स्टैंड पर एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से विद्युत केबल ट्रक में फंस जाने के कारण केबल टूट गई, इससे 2 विद्युत पोल भी टूट गए। गनीमत रही कि हादसे के बाद विद्युत सप्लाई बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत केबल नीचे होने से हादसे का कारण बने। वहीं कई बार शिकायत पर भी विभाग ने विद्युत केबल को दुरुस्त नहीं किया। श्रीगंगानगर के साधुशहर में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के राज में आमजन का बुरा हाल है और अब हर आदमी भाजपा से त्रस्त हो चुका है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करना होगा और भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ भाषणबाजी है, जिसे सहारे लोगों को बरगला नहीं जाएगा। जोधपुर के शेरगढ़ के देचू कस्बे में स्थित हिमाचल के मीठे पानी की जीएलआर में कई दिनों से मटमैला पानी आ रहा है। इस जीएलआर से देचू स्थित गौशाला और पंचायत समिति में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से गंदा पानी आ रहा है। जालौर के नेहर क्षेत्र में 20 दिनों बाद भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सेसावा, खेजड़ी आली, पावटा, सिलोसन, होती गांव, दूठवा, डावल सहित दर्जनों गांव पिछले 20 दिनों से पूरी तरह जलमग्न हैं। कई जगह लोग अभी भी टापू पर रह रहे हैं, वहीं कई जगह लोग खुले आसमान तले ढोरों पर रहने को मजबूर हैं। पानी का भराव गांवों में होने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं भामाशाहों की मदद से मिल रहे राशन सामग्री पर परिवार अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। नेहर क्षेत्र से पानी की निकासी नहीं होने से 20 दिनों से हाल यहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। पानी के भराव से मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, वहीं मच्छरों से परेशान लोग रात में सो नहीं पा रहे। वहीं प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर के वैध में 11 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चलानी घाट से मुलजिम को भगाने का आरोपी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में डीआरएम के दुबे ने रेलवे स्टेशन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस बीच नागरिक संघर्ष समिति ने रेल सेवाओं में विस्तार की मांग को लेकर डीआरएम का घेराव किया। डीआरएम दुबे अनूपगढ़ टैंक का निरीक्षण कर स्पेशल ट्रेन से शाम 7:30 बजे सूरतगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन गेट पार्क स्टेशन का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में हाईवे नंबर 12 पर एक बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर घायलों को भीलवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में करीब 11 महीने पहले शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण बंद हुआ एटीएम फिर से शुरू किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। प्रतापगढ़ के अनोद उपखंड के सेना गांव में एक और महिला की चोटी कटने का मामला सामने आया। इससे पहले कल भी एक महिला की चोटी कट गई थी। यहां खेत पर चारा काटते वक्त महिला की चोटी कट गई, इससे लोगों में डर व्याप्त हो गया है।
बारा के छबड़ा में गोवंश तस्करी के मामले में फरार पांच वारंटियों ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सभी करीब 8 साल से फरार थे। पांचों आरोपी गंगापुर सची निवासी हैं। बारा के छिपा बड़ो क्षेत्र के दो राशन डीलर्स को कार्य में वितरण अव्यवस्था के कारण निलंबित किया गया। जिला रसद अधिकारी शंकरलाल ने यह आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सड़ीता में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए सेवा योजना की जानकारी दी गई। बाड़मेर के बालोतरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेज इकाई की बैठक विभाग संयोजक कृष्ण बोराड़ा की अध्यक्षता में हुई। इसमें आगामी सदस्यता अभियान छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बोराड़ा ने कार्यकर्ताओं को एबीवीपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। चुरू के सरदार शहर में अधिकारियों ने फसलों का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के अभाव और कीटों के प्रकोप से बर्बाद होती फसलों को कृषि अधिकारियों ने जायजा लिया। चुरू के सादुलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन देकर चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। चुरू के सादुलपुर में संयुक्त कर्मचारी महासंघ उपशाखा के सभी घटकों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें क्रांति आह्वान पर जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। चुरू के तारानगर में नायक समाज सेवा समिति की ओर से वार्ड 7 स्थित नायक भवन में नवनियुक्त प्रदेश प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। सिरोही के आबू रोड में राजकीय महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का आगाज हुआ। स्वयंसेवकों ने बस स्टैंड, कॉलेज परिसर, सामुदायिक अस्पताल और जगह जगह जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सताना चौराहा ने उत्तर प्रदेश निवासी मनीष रावत को 53 पकवे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।